नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। करंट अफेयर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज करंट अफेयर में हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी के साथ इस समय जम्मू संभाग का जो सिनारियो चल रहा है और इस समय केंद्र सरकार ने जिस तरह से LG को जो है मोर पावर्स दी है और साथ ही साथ क्या इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, ये एक बड़ा विशेष मुद्दा है। इस पर आइए बातचीत करते हैं रविंदर शर्मा जी के साथ। सर, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पावर्स दे दी गई हैं, तो इससे मैं समझ गया आपका सवाल। ये बहुत बड़ी जाति है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। 2019 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा, यहाँ पर यूटी बनी। 2019 से लेकर 2024 तक जब तक असेंबली चुनाव की सुगुगाहट नहीं शुरू हुई, तो इनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि हम एक स्पेशल ऑर्डर करें। जो ही असेंबली चुनाव का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट सब अनकंफर्टेबल हो गए। ये तो अभी भी प्रयास करेंगे कि चुनाव ना हो। रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, बैकडोर से चल रही है सारी चीज़ें, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ऑर्डर सब बिलों मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। तो इन्होंने महसूस किया कि एक चुनी हुई सरकार तो आ जाएगी। हालांकि यूटी की सरकार की पावर तो दुनिया ने देखी, दिल्ली में क्या हालत है। हमारा तो मॉडल दिल्ली से वर्स्ट है, पॉडिचेरी मॉडल है जो कि दिल्ली से भी लोएस्ट है। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको भी डिसएम्पावर कर दिया और तमाम पावर जो थी ट्रांसफ़र तक भी सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आज मनोज सिन्हा है, कल कोई और होंगे, लेकिन सारी पावर जो उनको दे दी। ये धोखा है लोगों को। चुनाव अगर होगा भी, अभी तो उससे भी संशय हैं, लेकिन अगर चुनाव होता भी है तो वो जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो सरकार है, वो करेगी क्या? लोग तो चाहते हैं चुनी हुई सरकार हो। आज अफसरों के दरवाजे बंद हैं, बड़े बड़े लोगों के कोई रबता नहीं, ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते। जिसे 10 साल में जो लोग आए हैं लाए गए हैं उनका मिजाज ही अलग है। ना टेलीफोन उठाएंगे, ना वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब देंगे। वो तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता की के लिए जो लोग लड़ते हैं बात करते हैं, लोग तो हमारे पास आते हैं, दूसरों के पास आते हैं। चुनाव हुआ तो आज है नहीं, सरपंच पंच भी ख़त्म हो गए, म्यूनसिपैलिटीज भी ख़त्म हो गई, कॉरपोरेशन भी ख़त्म हो गई, पूरी एक तानाशाही अफसरशाही ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है। और उसमें वो एक निज़ाम ऐसा होगा जिसमें जंग होगी। जब किसी आदमी के पास लोग किसी को MLA चुन के भेजेंगे, काम नहीं होंगे, उसके मसले से लोग जनता खड़ी होगी। हमारी लड़ाई है अगर ये पावर्स नहीं देते, स्टेट उड नहीं देते, तो जनता उसके साथ खड़ी होगी। जिसके पास जीतने का सर्टिफिकेट होगा, एक सिर्फ इतना फ़र्क होगा। चुनाव तो करवाएं, किसी को भी बनाएं, लोग उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। जब वो बताएगा, जब ये हालत ये होगी, तो हम एक नया सिलसिला देख रहे हैं कि लोग MLA के पीछे खड़े होंगे और वो जंग लड़ेगा। आज बिजली नहीं, पानी नहीं कहीं पे, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। एक एक महीना हम कहते हैं यहाँ पे जिस मोहल्ले में पानी नहीं है, रूरल एरिया की हालत ये है कि वहाँ पे अफसर को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जनाब, करते हैं। एक एक टैंकर जो है मेरे इलाके में, एक टैंकर है। जब मैं था 6 लाख मैंने अपने MLC फंड से पैसे दिए, क्योंकि उस वक्त भी पैसे नहीं थे। इतनी गर्मी और सोखा हुआ कि लोगों को पानी नहीं था, नलके वैसे भी रूरल एरिया में ये टैक्स लगा गए। 70% आबादी जो है वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन के बाद उनको पानी मिलता, किसी को एक बाल्टी। कई लोगों को 30% ऐसी आबादी है जहाँ नलके लगे हैं कागजों पत्रों में, वहाँ पानी नहीं है। वो लोग और खरीद के पानी पी रहे हैं, कोई चश्मे से पी रहा है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? लेकिन आज 50% आबादी जो है रूरल एरिया में प्राइवेट टैंकर ट्रैक्टर ट्राली से खरीद के जो है वो पानी पी रही है। एक टैंकर से मुझे बताइए कि जो 1 लाख पॉपुलेशन है जिसमें 36 पंचायतें होंगी, वो खुद कहते हैं ना, एक दिन भेजते हैं एक तरफ एक पंचायत में, 36वें दिन दूसरी पंचायत आएगी, तो 30 दिन तक आपको टैंकर से पानी, मतलब पीने का पानी ये मुहैया नहीं करवा पा रहे। इसके लिए कौन उठाएगा आवाज़?
सरकार में एमएलए होंगे तो लड़ाई होगी, अफसर को मानना पड़ेगा, इसलिए कोई चारा नहीं है। लेकिन इससे बड़ा डिक्टेटोरियल तानाशाही का आर्डर और क्या हो सकता है कि आप 6 साल के बाद एहसान कर रहे हैं, चुनाव करवाएंगे और पावर सारी एक आदमी के पास रख दी और वो जो फरमान करेंगे वो होगा। तो इसलिए ये तो बहुत जाती है लोगों के साथ। सर, बात की आपने इलेक्शन की, जम्मू कश्मीर में बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं लोग भी, विपक्षी दल भी, कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अब इलेक्शन का बिगुल जो है वह बज जाना चाहिए, और जिसको लेकर अब ECI भी जो है काफी ज्यादा कमर कसे हुए है। अब आप देख रहे हैं सेकेंड समरी रिविजन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोगों से अपील की जा रही है, खासकर जो यंगस्टर है, जो 18+ के हैं, उनसे अपील की जा रही है कि अपना वोट रजिस्टर करें। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, कई बार हो चुका कि भाई पहले साल में एक बार वोट बनते थे, 1 जनवरी को जो 18 साल होता था उसको वोट बनता था, आज साल में 3 बार होता है, 4 बार होता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। चलो अच्छी बात है, वोट बने, लेकिन बात यह है कि आप चुनाव नहीं करवा रहे, 4 बार ये एक्सरसाइज होती है, सारे ये रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। कि पहले जो होता है ठीक है, इलेक्शन अनाउंस हो गया तो वोटिंग राइट कब तक देना है, नहीं देना है, लेकिन वोटर, मैं आज 18 साल का हो रहा हूँ, जब मेरा बेटा आज 18 साल का अगर हो रहा है तो वो कल वोटर बनना चाहिए, अब तो इलेक्शन कमीशन को बदलना चाहिए और वो जाए, एक सिस्टम होना चाहिए जैसे ऑनलाइन सिस्टम है। अब क्या प्रॉब्लम है, आपने सारे मुलाजिम रखा के रखे हैं, हाल में एक बार करिए पूरी अपडेट, जब चुनाव आता है तो आप अपडेट करके वोटर लिस्ट दे दीजिए हमको लड़ने वालों। वोटर तो हर दिन बनना चाहिए, राशन कार्ड भी बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो तो चुनाव की बातें कर, मैं कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश की वजह से डरते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर लिखा है, अगर वो ना लिखते तो ये चुनाव कभी नहीं करवाते, 2026 की बातें करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में सितंबर में चुनाव होंगे? हमें कुछ नहीं लगता, ये सरकार को एक आदमी को पता होगा, इस देश के या दो को पता होगा, तो मुझे नहीं लगता BJP के किसी को भी पता, वो ऐसे ही बातें करते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं। चुनौतियां इससे बढ़ी रही, आतंकवाद इससे बड़ा भी रहा। 96 में जब नरसिम्हा राव ने सरकार की थी तो वहाँ 4-4 वोट भी पड़े, लेकिन हमने कमर तोड़ दी पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर के लोगों ने वोट में हिस्सा लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मिलिटेंटों के डिक्टेट होते थे कि जो वोटर पोलिंग स्टेशन पे जाएगा वो जिंदा नहीं आएगा, उस दौर चुनौती ली। आप 6 साल से चुनाव नहीं कह रहे और डंका बजा रहे हैं दुनिया में, देश में, हमें वोट दे दो, हमने जम्मू कश्मीर सुधार दिया। संख्या नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्ड है कि DGP ने कहा 31 दिसंबर 2022 को कि जनाब जम्मू सूबा बिल्कुल साफ हो गया, यहाँ एक भी आतंकवादी नहीं। 1 जनवरी 2023 को 7 लोग घर में घुस करके डांगरी में शहीद किए जाते हैं माइनॉरिटी के, उस अफसर को क्यों नहीं अंदर ठोका गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया, हद है। उसके बाद ये चुनाव में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब ने कहा कि इतनी शांति, टूरिज्म इतना हो गया, ये हो गया, कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, हमारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, हमारे जम्मू के मुलाजमों को मारा गया, 6 महीने तक नंगे पाँव सड़कों पर यहाँ प्रोटेस्ट अम्बेडकर चौक में जा रहा, सरकार दावे करती नहीं, मीडिया में वही, बड़े चैनलों में वही बात सुनाई जाती है जो सरकार चाहती है। कभी उन्होंने कहा कि इतना खतरनाक हमले हुए, और अभी जो हो रहा है, अभी भी थोड़ी सी खबर आएगी, और खबर का डिबेट ये होता है कि अब आतंकवाद का सफाया हो रहा है, अब ये हो रहा है, एक मिलिटेंट मर गया अब तो ख़त्म ही हो जाएगी आतंकवाद, ये चैनल पे मीडिया वो सेट करके आता है और हमको भी डिबेट करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ विफलताएं हैं, आपने सारा सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो तहस नहस कर दिया था। मैं अपने इलाके में, मैं कल भी कालाकोट जा रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, लेकिन लोगों के पास आना नहीं है। यहाँ 63 में चौकी थी, यहाँ कांड हुआ, यात्री मारे गए, वहाँ आर्मी की पिकेट थी उसके आसपास, वहाँ मोगला में पिकेट थी, आगे जहाँ नारला में जहाँ हमले हुए हैं पिकटें थी, BDC थी, आज कुछ नहीं था, और लोग सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हैं बॉर्डर के लोग। सर, इस समय जो जम्मू का सिनेरियो बना हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार इन्होंने 10 साल में तमाम BDCs
सिक्योरिटी पिकेट, बॉर्डर की पोस्ट थी, पुलिस की चौकियां बनी है, लोगों से ज़मीन मुफ्त लेकर के सरकार ने बिल्डिंगें बना करके जा रखी है, लेकिन इन्होंने बंद कर दी, इसलिए आज इन्फिल्ट्रेशन होती है। मेरा घर 2.5 किलोमीटर है सुंदरबनी से, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। आसपास 4 हमले मेरे आसपास हुए थे, वो हालांकि पीसफुल एरिया, लेकिन मिलिटेंट अटैक करने आते हैं सिक्योरिटी पिकेट पे कहीं पे, तो मारेगी, हमारा भी नुकसान होता है। सिविलियंस फौजी छुट्टी पे आए थे, उनको पता लगा, वो निकल के आए, BDCs एंगेज करती थी जब तक फौज और पुलिस पहुंचती है। अगर फौज को जब पुलिस को इतला मिले भी, तो इस तरह थोड़ा कि एकदम उठ के दौड़ जाएगी, वो तैयारी करेगी, कम से कम उनको 1 घंटा लग जाता है पहुंचने में, 2 घंटे लग जाते हैं पूरा कार्डन करने के लिए। तब तक उनको एंगेज करते थे जिनके पास बंदूकें होती थी, VDC। ये ना तो आपको सेल्फ डिफेंस में बंदूक देते हैं, मैं वसूख से और दावे से कह सकता हूँ, बहुत से सबका फौजी हैं जो हमको शिकायत करते हैं कि हम वो सेल्फ डिफेंस के लिए हमें लाइसेंस नहीं दिए जाते, रिन्यू नहीं करते लाइसेंस। कई लोगों की बंदूकें थाने में, इलेक्शन आया जी जब्त कर दो, यहाँ कोई गुंडागर्दी तो होती नहीं। तो सेल्फ डिफेंस हमारा राइट है कि कल मेरे घर में तो मुझे कोई एक आध आदमी होगा सिक्योरिटी वाला, रोज तो वो सिर्फ BJP वालों को सिक्योरिटी है, उनके घरों के आसपास बड़ी बड़ी लेयर्स हैं, जो मुलाजम हैं, जो अफसर हैं, वो सिर्फ उनकी नौकरी करते हैं, और ज़रूरत है भी तब नहीं, उनके पीछे 2 बंदूकड़ी वाले होने चाहिए पुलिस लगा कर। तो लेकिन जो आदमी निहत्था है गांव में, वो सरकार से कहता है मैं अपने पैसे से हथियार लूँगा, मुझे लाइसेंस दे दो, साहब का फौजी है, मेरा करेक्टर देखो सब, क्यों नहीं लाइसेंस मिल सकता, कैसी पॉलिसी है, किसका प्रेशर है? आज तो कोई पार्टी का प्रेशर नहीं है, क्यों ये सरकार नहीं कर रही? इसलिए इन्होंने सारा कुछ ढील कर दिया, वो आते हैं खुलेआम आते हैं, शरेआम चलते हैं। परसों भामला का इनपुट था, फौज वहाँ फौज जो है गश्त कर रहे बेचारे, फौज सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मारे भी जाते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन ये सारा सिक्योरिटी नेटवर्क पिछले 2 महीने से लगातार अटैक हैं। आपको कितने लगते हैं खड़ा करने में, फटाफट आप दीजिए बंदे। अखबारों में बहुत अच्छी खबरें आती हैं, जाइए डांगरी और उनसे पूछिए, मैं आपको नंबर देता हूँ, टेलीफोन नंबर, जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, जिनके घर के 2 बच्चे शहीद हो गए महिला के, सरोज नाम है, मैं उनको मिला नहीं हूँ, सिर्फ डांगरी कांड हुआ था क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके 10 बार कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा आप रुको मैं आऊँगा। दोनों बेटे उसके शहीद है, कोई बच्चा नहीं, वो सरकार से थक गई है, इसलिए अपोजिशन के पास गुहार लगा रही है। आप लोग जाइए पूछिए क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो गांव-गांव में सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़तरनाक हैं, लोग दहशत में हैं, यहाँ तक कि हमें भी दायद आती है जब मैं गांव जाता हूँ कि रात के 10 बजे के बाद अंदर ही रहिए। मेरा घर 2.5 किलोमीटर सुंदरबनी टाउन से है, और ठीक है अलर्ट है, सिक्योरिटी सब कुछ है, वो आते हैं देखते हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ इस एरिया में ख़तरा हो सकता है, जो लोग पहाड़ों में बैठे हैं, जो लोग वो डरे हुए, उनके घर आएंगे, खाना भी खाएंगे, और पता नहीं जिंदा छोड़ के जाएंगे या मार के जाएंगे। सर आज 30 जुलाई है और कुछ ही दिन के बाद 5 अगस्त आने वाली है। अगर हमें याद होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो ले लिया गया था और इसे UT में कन्वर्ट कर दिया गया था। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को ख़त्म कर दिया गया। अब 5 साल हो चुके हैं, इस 5 साल को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद जैसे मैंने आपको कहा, बस देखता हूं, वो हिस्ट्री का ब्लंडर था जिस तरीके से किया गया, और जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया गया, जमहूरियत ख़त्म हो गई, तानाशाही हो गई, अफसरशाही हो गई, और जम्मू 5 साल के बाद महसूस करता है। हम सोचते थे कि जम्मू के लोगों ने उस वक्त महसूस किया कि शायद हमारे को बड़े फ़ायदे के और हित की बात होगी, लेकिन आज वो महसूस करते हैं सबसे ज़्यादा खतरा जम्मू में हो गया। यहाँ एक टेररिज्म तो जाएगा, वो जो जहाँ गुंडागर्दी होगी, जो हमारे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाहर से, हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी ख़त्म हो रही है, जो महिला की, बच्ची की, घर की सिक्योरिटी थी, चोरियाँ, चकारियाँ, गुंडागर्दी, ये वातावरण बनेगा जहाँ के गरीब आदमी बेटी की शादी में किसी और कर्ज में ज़मीनें बेचेगा। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का आकार ही कुछ और होगा, ये डोगरा
रीजन नहीं रहेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल के लोग ज़मीन में लेंगे, मालिक बनेंगे, यहाँ के व्यापार का अधिकार उनका जो है वो ओवरटेक करेंगे। ट्रांसपोर्ट, पहले हम महसूस करते थे ट्रांसपोर्टर जो लोग, उसमें ज़्यादा हमारी सिख कम्युनिटी बड़ी आगे होती थी, ट्रांसपोर्ट उनके पास था और भी यहाँ के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर थे। आप देखेंगे कि हर चीज़ ओवरटेक हो रही है, और अभी तो थोड़ा डर है, लेकिन स्टेट लैंडें निकाल करके बाहर के वो लोग अपने चाहने वाले, अच्छा जी आओ रसगुल्ला बनाओगे, उसको ज़मीन दे दी जाएगी मुफ्त, ना मिले कोड़ियों के भाव, ठीक है। हमारे इलाके में एक कोई स्वीट बेचने वाला है वायर से, वो सारे रजौरी पूंछ को सप्लाई करता है, बड़ी बिल्डिंग बना ली, तो उसने तो खरीदी है, लेकिन सरकार दे रही है, यहाँ के किसी को नहीं देंगे कि आप ये काम करो, उनको टेक्निकल नहीं देंगे। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो ड्रग, आज ही मैं पढ़ रहा था कि 1,60,000 के करीब के 1,42,000 किसी मीडिया में था कि वो एडिक्शन सेंटरों को पेरेंट्स ने और बच्चों ने अप्रोच किया कि हमको डी एडिक्शन, नशा का अड्डा बन गया जम्मू सुबह, और यहाँ पे तजारत नहीं, व्यापार नहीं, 370 या सारी चीज़ें तोड़ने का फ़ायदा बताएं, कौन सा जुड़ गया जम्मू कश्मीर, इंटेग्रेशन हो गई, पहले कौन सी जो वो फेविकोल नहीं लगा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हम इंटेग्रल पार्ट हैं और रहेंगे जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये देश को गुमराह करने का था कि नहीं जनाब जम्मू कश्मीर हमारे से दूर है, जम्मू कश्मीर को दिलों से जोड़ने की ज़रूरत थी, है अभी है। आप कल तक जमात इस्लामी और उनको कहते थे जनाब ये आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद फैलाते हैं आप जानते हैं, और आज उनसे बातचीत करते हैं कि आप सरकार बनाइए, उनको आपा के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत अंदर ठोका आपने हजारों लोगों को, आपके कौन से असूल है? बारामूला में कल तक जो आतंकवाद जो अंदर है, आपने ऐसा वातावरण दिया कि वहाँ एक देश में चीफ मिनिस्टर हारा, और वो एक गुस्सा सरकार के खिलाफ है, उसका फ़ायदा एक आदमी ने लिया, सरकार की एक्टिविटीज के खिलाफ एक गुस्सा है, और ये गुस्सा किस तरफ निकल गया? वो लोग जो अलगाववाद आतंकवाद के गढ़ हैं, जिन उनको अपने आपकी वजह से जीते, क्यों जीते हैं, कहाँ जोड़ा आपने दिल से दिल्ली से, कहाँ अमन हुआ, कौन से कानून से फ़ायदा हुआ? आप हर रोज़ जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीनते हो, हर लोग ऐसा कानून और ऑर्डर निकालते हो कि युवाओं का अधिकार छीनते हो, यहाँ के घोड़े वाले का, खच्चर का, वो टांगे वाले का, वो ट्रैक्टर ट्राली वाले का जो बजरी रेत निकाल के हाथ से बेचते थे, उनको छीन करके आपने बड़े बड़े माफिया और ठेकेदार जो हैं उनके हवाले कर दिया, सारी नदियाँ और दरिया आपके खाली हो गए, पानी गहरे हो गए। चलिए नुशहरा छतरपुरी में दिखाता हूँ कितने क्रशर और वो मशीनरी जो है, पानी का ग्राफ टेबल डाउन हो गया, जम्मू की तवी से एक इल्ज़ाम लगे हज़ारों सैकड़ों करोड़ के, शरेआम बीजेपी के नेता से ही लगे, कोई जांच हुई? उसना वो इसका बिजनेस था, उसको जानकारी थी, ये हो रहा, लूटा जा रहा है जी। और लोगों की जो हमारी रिसोर्सेज है, जम्मू कश्मीर के लोगों के रिसोर्सेज हैं, उनका अधिकार जो था, आज रेत बजरी आदमी खरीद नहीं सकता, लेकिन वो लोग जो है वो करोड़पति बन गए, और उनको सारी परमिशन इजाज़त मिलती है, एक नेक्सस है, इसलिए इन चीज़ों को बचाना है। हमें कोई 370 से मतलब नहीं, वो आपने तोड़ा देश को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया थी, उन्होंने कहा कि तोड़ना इस तरह तोड़ना चाहिए था, हमने कहा अनडेमोक्रेटिक है, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, हमने भी कई बार अमेंडमेंट की, राष्ट्रपति ख़त्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हुआ, कई चीज़ें जो नहीं थी समय के साथ वो बदल गई। देखकर जम्मू कश्मीर वाहिद मुस्लिम रियासत थी जो हिंदुस्तान के साथ आई, जिन्ना को उन्होंने रिजेक्ट किया। आज क्यों हम लोग दूर हैं? इसलिए व्यापार मत छीनो, अधिकार मत छीनो। हिमाचल में आप जगह लेके देखो, मैं अभी था मिनिस्टर। सर आपने व्यापार की बात की, तो अभी थोड़े ही दिन पहले यूनियन बजट जो है वो पेश किया गया है, और वहीं संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि ये बजट पेश करना, इसमें टैक्स जो है वो बाहरी जिस तरह से देशों में लगते हैं उस तरह का जो है नीति यहाँ पर भी अपनाई गई है, तो ये आम जनता के लिए काफी हानिकारक भी है। बिल्कुल, जो राहुल गांधी ने कहा ना वो एक जो चक्कर, उसको कोई नाम भी बताए, यहाँ के लोग भी
उसी रफू चक्कर में है, उसी जो चक्कर व्यू है उसमें टैक्स के नेट में फंसे हैं। क्या मिला आपने? बिहार और आंध्र प्रदेश के दो टांगे आपने लगाई हैं सरकार चलाने के लिए, उनको स्पेशल पैकेज मिलता है। जम्मू कश्मीर सफ़र जम्मू कश्मीर कर रहा है, पाकिस्तान की मिलिटेंसी है, यहाँ लोग मर रहे हैं, लोग यहाँ पे तजारत नहीं कर पा रहे, बाहर से कोई इंडस्ट्री नहीं आ पा रही, तो यहाँ ज़रूरत थी पैकेज की कि वहाँ थी। और एक के बाद एक टैक्स, आज आप गाड़ी खरीदना के लिए सोचोगे तो पहले इंश्योरेंस 1,00,000 रुपया लाओगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन लाओगे। आपने ऐसे कानून बनाए, फिर टोल टैक्स हर जगह, जहाँ बच्चे अंदर हो गए हमारे, जायज़ बात की, गडकरी जी ने जो बात कही उसके खिलाफ ने कहा भाई 60 किलोमीटर के अंदर है उतारो, 7 दिन जेलों में रहे, जम्मू के लोग थे ना, चाहे बाद में उनको दबाया गया, परेशान किया गया, लेकिन बताइए उन्होंने आम लोगों के लिए बात उठाई। तो जो आम आदमी उठाता है कि जम्मू कश्मीर को मिला क्या? यहाँ एक पैकेज देती केंद्र सरकार, जो 20-20 साल से कई रिटायर हो गए डेली वेजर, नीड बेस्ड कंट्रेक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट पे 10-10, 15-15 साल पढ़ा के बच्चों को निकाल दिया गया, कोई ठीक है, लेकिन जब आप लगाते हो वो जो ओवरेज हो गए उनको एक होप देते हो। यहाँ मेरे पास रेबरेज रात मिले जो जंगलात में लगाए गए थे, 5,000 रुपये पे MSc पढ़े लिखे जो रेंजर ट्रेनिंग करके आए सबको उनको आपने लगाया, 5,000 रुपये कोई क्यों लगेगा? इस उम्मीद पे लगता है कि 5 साल 10 साल के बाद, मैं राज हूँ उनके लिए लिखा है कि 5 साल रेबरे ज़रात, उसमें 5 साल के बाद उनको रेगुलराइज करना था, लेकिन उनको आपने 7 साल के बाद भी रेगुलराइज नहीं किया। इसी तरह से और बड़ी कैटेगरी थी जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया, अगर आपने पक्का नहीं करना तो मुझे दीजिए ना, जो 50,000 की तनख्वाह है तो उसमें 50,000 रुपये बजे को लगाइए, तो ठीक है 5 साल बाद निकालिए। लेकिन इसी तरह से आपने सोशल वेलफेयर में कई जगह 3-3 हज़ार रुपये बच्चे काम करते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, चलो इस वक्त तो घर से पैसे लेके किराया लेके 100 रुपये में क्या काम करता है, नरेगा की दिहाड़ी जो है वो 400-500 रुपये होनी चाहिए आज। लेकिन जो आदमी लेबर की दिहाड़ी से भी कम लेता है, बच्चा BSc MSc, आप जम्मू कश्मीर में उनको पक्का क्यों नहीं करोगे? उनके लिए क्यों नहीं पॉलिसी आई 10 साल के बाद? वोट लेने के लिए आपने कहा SPO पक्के, आंगनवाड़ी वर्कर तनख्वाह बढ़ी, हेल्पर आशा वर्कर मिड डे मील वर्कर होम गार्ड फलाने डेली वेजर नीड भी सबको पक्का करें, वोट लेने के बाद कहते हैं ये पिछली सरकारों के पाप हैं। वो आपके दरवाजे पे धरना लगाते हैं, भीख मांगते हैं, तो BJP ने क्या किया? इसलिए बजट में प्रावधान रखते कि वन टाइम पैकेज दे करके इन बच्चों को हम रेगुलराइज कर रहे हैं, पॉलिसी बनाओ 7 साल 10 साल उनको कुछ दो, तो कौन सा बेटा जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है। बजट में हमको कुछ नहीं मिला, जो देश में है वो भी यही है कि अमीरों को और अमीर बनाओ, चंद अमीर जो है वो देश को चला रहे हैं, जो कह रहे हैं जिनका नाम नहीं ले सकते संसद में, उन्होंने A1 A2 कहा, वो तो दो लोग हैं जिनके पास सारी संपत्ति है, लेकिन 3% ऐसे लोग हैं इस देश के पास जिनके पास 50% से ऊपर सारे देश की संपत्ति उनके पास है, और बाकी 50% के पास क्या बचता है? कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्योंकि आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, ऐसे में जहां BJP दावा करती है 50 के पार, क्या इस बार असेंबली इलेक्शन में खदेड़ पाएगी BJP को? देखिए ये तो जनता ही खदेड़ पाती है, अगर जनता लेकिन विश्वास भी जान करके देख करके जहर खाएगी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में जनता जो है कहाँ चूक कर गई या कहीं और वजह थी, क्योंकि लोगों का रुझान तो था कि बदलाव करना है, कांग्रेस को वोट देना, लास्ट में थोड़े वोट थे हमारे, लेकिन मैं समझता था कि बदलाव होगा तो दिल्ली वीर की दिमाग थोड़ा ठीक ठिकाने पे आएगा, क्योंकि आप भाषण दे दे के जम्मू कश्मीर को चला रहे हो, आतंकवाद आपसे काबू नहीं हुआ, कश्मीर में तो आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो, वो कमल का फूल खिलेगा नहीं, लेकिन आपने सारा कोई कश्मीर को इंडिया में 200 करोड़ ही था, हमको 80 लाख पे कितना मिला था, जम्मू को तो आज भी नेगलेक्ट किया जाता है, मैं सुख से कहूँगा
कि इनका सारा कोशिश रही कि कश्मीर को हम शांत कर लें, खुश कर लें, वो भी करना चाहिए, सब कुछ दो, ठीक है। कश्मीरियों ने मैंने कहा कि टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके दुनिया को कहा कि ये नहीं है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इकट्ठा रह सकता है। जब हमने उनको खुद रखा, ये रखा, आज ये नहीं कि हमको उनको जो गलत है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, उसमें हमारा स्पष्ट है कि सख्ती से किसी को अलगाववाद रख, आप गले से भी लगा सकते हो और आप देशभक्त हो, आप जमात इस्लामी को लगाओ, आप शीर को लगाओ, आप बुखारी साहब को लगाओ, और फिर गालियां भी रखो कि जनाब जो लोग जो चीफ मिनिस्टर रहे आप उनके लिए भी गुरेज नहीं करते, बीजेपी वाले ये पाकिस्तान से मिले हैं, ये अलगाववाद है, तो फिर कल आप सरकारें नहीं बनाते, क्या असूल है बीजेपी का। अगर ढिंडको आपको आज कहता हूँ मैं कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, कल मैं सरकार बनाता हूँ तो जम्मू वाले क्या देखते हैं। मेरा तो ये सिंपल सवाल है कि इनका कोई असूल नहीं, नीति नहीं, इनकी देशभक्ति अजीब और गरीब है जी। उन फोर्सेज और ताकतों के साथ ये गले मिलते हैं, और अगर कोई हम बैठ भी जाए हो जाते हैं बदनाम, एकत्र भी करें तो चर्चा नहीं होती। तो हम तो कहते हैं कि भाई देश के अंदर जो चुनाव लड़ता है उसका मत हमारे से अलग हो सकता है, लेकिन फिर वो इस देश के आइन को, संविधान को मानता है, वो देशभक्त है, उसको पाकिस्तान नहीं कह सकते जी। उनकी राय अलग हो सकती है कि बातचीत करो, हम उसे सहमत होना हो, वो सरकार का प्रोग्राम है, उनकी राय अलग हो सकती है, कामकारी अमन शांति के लिए रास्ता ये हो सकता है, तो राय देना तो डेमोक्रेसी में अलग बात है, उससे आतंकवाद नहीं पड़ता जी, उससे वो दरवाजे नहीं खुल जाते। आप मनमोहन सिंह जी को पूछते थे कि फौज आपकी, बीएसएफ आपकी, ये आतंकवादी आते कहाँ हैं, आम आदमी सोचता था मोदी जी बात तो ठीक कर रहे हैं, आज मोदी जी को जवाब देने दिए 10 साल के बाद, कि 10 साल के बाद ये इतने मशरूम कहाँ से आए, जब आप कहते हैं आतंकवाद का सफाया हुआ जी। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी नहीं, दोनों जगह हम महसूस करते हैं कि बदलाव की फिजा है। बीजेपी 50+ क्या 5+ पे आएगी, अगर सही चुनाव हो और इन मुद्दों पे चुनाव हो, आप हर रोज आर्ट निकाल करके सरकार रिमोट कंट्रोल के से और बैकडोर से चलाना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं हम जीतेंगे भी और जम्मू वाले फिर भी अगर वोट देते हैं तो फिर अफसोस ही जाहिर किया सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग वोट नहीं देना चाहते इनको, बदलाव चाहते हैं, बदले की भावना से लोग वोट दें जी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की आज के सिनारियों के बारे में, और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी तो दावे करती है इस बार असेंबली इलेक्शन में 50 के पार, लेकिन क्या वो 5 भी पार कर पाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले करंट अफेयर में एक और हस्ती के साथ आपके साथ रूबरू होंगी। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।